बेलखाड़ू के नरेंद्रपुर में किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां किसानों की वही का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए का लोन ले लिया गया। वहीं पीड़ित किसानों को जब इस बात का पता चला कि सहकारी समिति में पदस्थ भारत भूषण के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, तो उनके द्वारा तहसील में शिकायत की गई, लेकिन भारत भूषण को सिर्फ निलंबित कर दिया गया और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित किसान आशीष सिंह अपने साथी किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। हाँ सर, मैं जबलपुर पांचगरी में रहता हूं, लेकिन ये जो गांव नरेंद्रपुर में एक करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी भारत भूषण सिंह है, इसने नकली किसान बना के फर्जी खसरे पे नाम चढ़ा के और लाखों करोड़ों का गबन किया, और इसके वो लेटर है जिससे उसने जिस नकली अपने ड्राइवर को किसान बना के उसी के अकाउंट से सारा पैसा हेर फेर करता रहा। ये जाँच मैंने कलेक्टर महोदय को 22-21 को दी रही, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति रसूख के कारण एक अपराधी खुलेआम ऐसे अपराध करता रहेगा तो इसमें कानून व्यवस्था का मजाक उड़ेगा? तो मैं यही चाहता हूं कलेक्टर महोदय से कि इसकी ठोस जांच की कार्रवाई की जाए और अपराधी को सजा दी जाए। क्या करता है ये? उसी संस्था में मैं इसी ग्राम नरेंद्रपुर में पद पर था, उसके दौरान इसने घोटाले किए थे, अपूर्व संपत्ति बनाई थी, कारें खरीदी नहीं, और आज भी चूँकि बाहर हो चुका नौकरी से, लेकिन ये एक प्रकरण इस पर है, लेकिन अभी भी ठोस कार्रवाई इस पर नहीं हो रही। लगभग कितने किसानों की जो है? करीब इसने 100 किसानों के साथ धोखा किया है, ये रजिस्टर बताता है, इसमें पूरा विवरण है और ये भैयाँ पड़ी हैं, ये बताता है कि इसने इतना घोटाला करके गरीब किसानों के साथ छल किया। मैं इस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, नाम भारत भूषण के खिलाफ एक्शन, सरकारी एजेंसियाँ इसके लिए। मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं कांचघर में रहता हूं, और ये भारत भूषण के खिलाफ जित सबूत हैं इसके बाद ठोस कार्रवाई की जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि गरीबों के साथ होने वाले छल कपट में चाहे कोई भी इंसान हो उसके कठोर कार्रवाई की जाए।